किसानों के दिल्ली कूच के अल्टीमेटम का लगातार आज दूसरा दिन। पहले दिन किसानों को किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई थी, बात चाहे शंभू बॉर्डर की करें या फिर बात चाहे जींद से साथ लगते खनौरी बॉर्डर की करें। पुलिस के साथ अच्छी खासी भिड़ंत भी देखी गई थी, लेकिन किसी भी तरह से कल किसान आंदोलनकारियों को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि पुलिस के द्वारा अच्छी खासी मशक्कत कल करनी पड़ी थी। बात अगर भिवानी और हिसार के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो यहाँ पर जो है किसानों के द्वारा यहाँ भी वो अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर पीछे से यानी पंजाब की साइड से किसान आते हैं तो जरूर उनके आंदोलन में वो शिरकत करने के लिए जाएंगे। नेशनल हाईवे पर इस वक्त मौजूद है नेशनल हाईवे संख्या 148 भी ऑल्टरनेटिव, ये वो मार्ग है, ये नेशनल हाईवे जहाँ से वाहनों की आवाजाही लगातार स्मूथली चल रही है। किसी भी तरह से यहाँ पर कोई अवरोध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। नेशनल हाईवे संख्या 9 दिल्ली हिसार यानी दिल्ली सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफ से अवरुद्ध किया गया है पीपल वाले पुल के पास से। हालांकि इंटरनेट सेवाएं 7 जिलों की अगर बात की जाए वहां पर पूरी तरह से अवरुद्ध की गई है, बाधित की गई है 15 तारीख तक, यानी 2 दिन और बढ़ाए गए थे। और इसके बाद कहीं ना कहीं अगर बात की जाए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। भिवानी पुलिस को डिप्लॉय किया गया है हिसार की सीमा पर, हिसार और रोहतक जिले की सीमा पर भिवानी पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। भिवानी पुलिस के द्वारा वहां पर बाकायदा मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग की गई है। और अगर उस रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध किया जाता है तो ये रास्ता, ये जो नेशनल हाईवे संख्या 148 भी है, ये अल्टरनेटिव मार्ग होगा रोहतक दिल्ली जाने के लिए अगर कोई हिसार सिरसा की तरफ से यहाँ पर आता है। तो ये मार्ग पूरी तरह से स्मूथली जो है ये रन कर रहा है, चल रहा है। हालांकि पूरी तरह से प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, वो भी सीधे तौर पर कह चुकी है कि जो मांगे हैं, मांगों को उठाने का ये कोई तरीका नहीं है। ट्रेन के जरिए या दूसरे रास्तों के जरिए बसें भी जाती हैं, उनके जरिए भी किसान जा सकते हैं अगर किसानों को जाना है तो, ट्रैक्टरों के जरिए। और इस तरह से जो है यातायात को अवरुद्ध करके, जो व्यवस्था को बिगाड़ करके कहीं जाने का कोई औचित्य नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, ना केवल भिवानी हिसार बल्कि तमाम जिलों में इसी तरह का आलम है। अल्टरनेटिव मार्ग है 148 भी, जो मैंने बताया कि यहाँ से पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो है ये माकूल है, किसी भी तरह से यहाँ पर जो है यातायात को नहीं अवरुद्ध होने दिया जाएगा, पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद है। पुलिस के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस के द्वारा जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई, मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग की गई है, हर तरह से वो तमाम जो संभव उपाय है वो किए जा रहे हैं ताकि किसानों को पढ़ने से रोका जा सके। हालांकि हिसार जिले के कुछ किसान जो है आसपास के बैरिकेडिंग जहां पर की गई है वहां के किसानों के द्वारा जरूर कहा गया था ये एकरूपता जताने के मकसद से कि वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस संयुक्त किसान मोर्चा ने विगत के किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन पार्ट एक में 2021 में अहम रोल अदा किया था, उनकी अगुवाई में तमाम किसान संगठनों ने वहां पर जाकर के रोष प्रदर्शन किया था, पड़ाव डाला था, वो SKM इस बार इस आंदोलन पार्ट टू से गायब देखा जा रहा है। ऐसे में ये ऐलान भी किया गया उनके द्वारा भी कि उनको ना तो बुलाया गया था, ना किसी तरह की कोई कॉल थी, दूसरे किसान संगठनों की कॉल थी उसके ऊपर वो नहीं गए हैं और ना ही जाएंगे। अगर बुलाया जाता है या कोई स्ट्रेटजी अख्तियार की जाती है तो उसके बाद ही वो विचार करेंगे। तो राहत की बात ये है कि अभी इतनी जो है व्यवस्था वो खराब नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा भी हुआ है इस पूरी कवायद में। और निश्चित तौर पर लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है, SKM ने इस आंदोलन से अभी बाहर रहने का ऐलान कर रखा है। नेशनल हाईवे संख्या 148 BC वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।